बहुत प्रेशर में अधिवक्ता के चैम्बर में घटना और भी हमारे लिए चिंताजनक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कोर्ट परिसरों को पुख्ता सुरक्षा उपलब्ध तत्काल कराए जाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा हुई है, जहाँ कहीं भी इस तरीके की कोई भविष्य में हो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कड़ाई से सुरक्षा प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। हम सब सरकार करने आए हैं, बहुत अच्छी अधिवक्ता थी, उनके जाने से अपनी क्षति अधिवक्ता समाज के हुई है, प्रदेश के हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए राज्य के बहुत ढेर सारे काम किए, अल्प समय में उनका जाना हम सबको बहुत ही दुखी कर गया। अब दोषियों को कड़ी सजा मिले, वायुसेना से घटनाएं हैं, ईश्वरी सरकार पीड़ित परिवार की और क्या परिवार के साथ सरकार सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जो भी उनकी आवश्यकता है, जो उनकी डिमांड है, उनको हम हर समय पूरा करेंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि थोड़ी भाषा में सुधार लाइए, तो इतने में उन्होंने पिस्टल निकाली और पिस्टल जैसे मेरे ऊपर तानी, साले तू बहुत बड़ा अंदर बनता है। जब मैंने पिस्टल दी, पिस्टल कॉक थी, तो मैं टेबल के नीचे और बाहर भागने का प्रयास किया। जब देखा कि बाहर से पेड़ बढ़ रही है, लोग घर से लेके आए, नहीं लाना चाहिए था। अच्छा, कोर्ट में दीवानी में आने से लेके और चैम्बर तक पहुँचने में क्या मनीष शर्मा स्वागत समारोह के दौरान कहीं दिखाई दिए थे? करीब 5 से 10 मिनट के लिए। अच्छा, बीच में दिखे थे। मनीष भाई, लड़ाई किस बात को लेकर थी? ऐसे रंजिश किस बात को लेकर मानता था ये मनीष? रंजिश ये थी कि इन्होंने पहले 5 साल का काम देखा था और उसी जब दोबारा ये चुनाव हुए सदस्य के चेयरमैन, वो सदस्य बार काउंसिल के, तो उन्होंने मार्केट से इनके नाम से काफ़ी पैसा ले लिया था। तो जब लोगों ने अपना तगादा शुरू किया तो उन्होंने कहा पहले सबका हिसाब करके आइए, उसके बाद हमारी बदनामी हो रही है और उसके बाद हमारे साथ रहना चाहते हैं। मनीष की पत्नी भी धमकाती थी इनको? हाँ, जब इन्होंने अपने अलग कर दिया था तो उन्होंने कई बार, एक बार नहीं कई बार उनके फोन पर फोन करके कहा कि अगर इन्हें साथ नहीं रखोगे तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। कई बार धमकाया, नहीं एक बार नहीं कई बार। तो सुनिए तरीके से मारा गया इनको। मनीष के साथ कितने लोग थे? हाँ, लेके आए वो और मनीष चैम्बर में, तो साथी जो होंगे वो अंदर बैठे होंगे। अब किसी को पता तो नहीं कर सकते कौन किसके मन में क्या चल रहा है, ये नहीं जा सकता।